नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज, खबर हिमाचल प्रदेश से। बाढ़ समस्या वाली पंचायत का, तो हम जो है वो सदर पंचायत को, तो हम चाहते हैं कि सदर पंचायत बने, लेकिन नगर पंचायत में हम लोग नहीं आना चाहते हैं, हमारे कई मूलभूत अधिकार जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है, बेसिक कानून को आप लीजिए, लेकिन ठोकी में शहरोपड़ी जो दो वार्ड हमारे हैं उनको ना लिया जाए। धन्यवाद। पूर्व बाढ़ समस्या समस्या वार्ड सदर पंचायत आनी जो बन रही है, इसमें तो वैसे हमारा कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ है तो नगर पंचायत के लिए, नगर पंचायत में सबसे बड़ी बात यह है कि हम गांव स्तर के लोग हैं, इसमें से जो हमारे को सब्सिडियाँ मिलती है तथा जो बैकवर्ड एरिया सब प्लान का जो कुछ एक निधि आती है उसे भी वंचित हो जाते हैं, और हमारा जो मतलब बाजार के हिसाब से हमारे को हर नक्शे कदम पर बाजार के नगर पालिका के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन हमारी वो हैसियत नहीं है, हमारे वो हम हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो कि हम बाज़ार वालों के साथ पूरा अपना कर सकें। और IRDP और दूसरे अदर जो हमारा बैकवर्ड एरिया का जितना भी सोर्सेज है वो सारा जो मतलब ख़त्म हो जाता है, तो इसे मैं चाहता हूँ कि भाई हमें नगर पालिका में ना जोड़ करके, अन्य पंचायत में ना जोड़ करके, हमें जो मतलब बखनाव पंचायत में ही रहने दिया जाए। इसमें ही हमारे गांव तथा हमारे वार्ड की अहमियत है। मैं प्रधान युवक मंडल शिवशा, जो अभी हाल ही गवर्नमेंट सरकार ने एक नोटिफिकेशन की है नगर पंचायत की, जिसमें आनी को नगर पंचायत बनाया गया, जिसमें हमारा ठोगी है, शिवशा है, रोपड़ी है। तो हमारा ग्रामीण का यही रोष है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र को नगर पंचायत में डाला जाए, और नगर जो आनी बाजार है उसको नगर पंचायत बनाया जाए। जो भी हमारे गांव के लोग हैं उसे हमारे क्या बेनिफिट कर जाते हैं इसमें, जैसे हमारा बैकवर्ड है, हमारा कई और काम है, बच्चों के लिए जो इंटरव्यू है वो भी कर जाता है, बैकवर्ड का सारा हमारा खत्म होता है, मंदिर का वो भी नहीं होगा। तो हमारी यह रोष है कि जो हमारा 3-4 2 वार्ड है उसको नगर पंचायत में न डाला जाए। हमारा यही सरकार से रोष है कि